भगवान शिव की भक्ति से ओतप्रोत 6 दिवसीय आस्था यात्रा का नर्मदा नदी किनारे कठोरा के 11 शिवलिंगी महादेव आश्रम पर समापन किया गया। यात्रा के नर्मदा नदी के किनारे कठोरा के 11 शिवलिंग महादेव आश्रम पहुंचने पर भगवान भोलेनाथ के जयकारों से आसमान गुंजायमान था। नर्मदे हर और हर हर महादेव के साथ भगवान भोलेनाथ के जयकारे के साथ प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री रहे कसरावत के विधायक सचिन यादव और पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नर्मदा मैया का पूजन और दुग्धाभिषेक किया। अरुण यादव और सचिन यादव ने भगवान भोलेनाथ और नर्मदा मैया से देश प्रदेश और निमाड़ अंचल के लोक कल्याण, समृद्धि, खुशहाली और भाईचारे को बनाए रखने के लिए प्रार्थना की। इसके पूर्व भोइंदा से त्रिवेणी पूजन और रोपण के बाद सचिन यादव और अरुण यादव ने आस्था यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने अपने पिता श्री स्वर्गीय सुभाष यादव के फोटो पर माल्यार्पण कर उनका पुण्य स्मरण भी किया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। आस्था यात्रा को जनता का प्यार मिल रहा है। आज एक बार फिर ऐसा लगता है कि सुभाष यादव को लोग भूले नहीं है, आज भी उनकी यादें ताज़ा है। ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है हम सब पर और उन्हीं के आशीर्वाद से ये यात्रा शुरू हुई थी और कल चौथा दिन इस यात्रा का होगा। और जैसा कि पहले ही मैंने कहा था कि हम भगवान से यही प्रार्थना करने के लिए निकले हैं कि सद्भाव, भाईचारा, एकता, जो हमारे देश की एकता खंड का जो मूल हमारा महात्मा गांधी जो हमको दिया था, उसको हम कायम रखते रहें, बना के रखें। और देश प्रदेश, निमाड़ क्षेत्र, हमारा ये कसरावत क्षेत्र प्रगति करे, उन्नति करे, यही भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने के लिए निकले। और ये सब लोगों का प्यार स्नेह है हमारे क्षेत्र के लोगों का और उनसे एक आस्था हमारी जुड़ी हुई है, बरसों से जुड़ी हुई है, पिताजी की जमानत जुड़ी हुई है, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास हम सब साथी मिलकर कर रहे हैं। निश्चित ही दिन भर पैदल चलने के बाद भी आपके चेहरे पर थकान नहीं है, यही लोगों का प्यार है, उत्साह है, ये सब बाबा की कृपा है। और कसरावत तो हमेशा से ही हमारा सदैव क्षेत्र रहा है, निवास क्षेत्र हमेशा से रहा, पिताजी की कर्मभूमि रही, हमारी भी कर्मभूमि रही है और ये सब लोगों का प्यार है। आज कसरावत में जगह जगह स्टॉल लगा के हर समाज हर एक कमल साथ में तो ये जो आपके पीछे कारवा चल रहा है, इसमें जो आपके पिताजी की भी एक छाप थी, जो लोगों के बीच में मोहब्बत थी, उसको आपके बाद उनके बाद में आप लोगों ने जो आगे बढ़ाने का काम किया, तो क्या लगा आपको आज भी इसी तरीके से लोगों में इस परिवार के प्रति वही मोहब्बत थी, क्या लगा आपको? देखिए, जैसे मैं कहता हूँ कि ये बोलने वाला जो क्षेत्र है, ये हमारा परिवार है, ये हमारे कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, यहाँ से एक दिल का जुड़ाव है, मन का जुड़ाव है और उसी का परिणाम है कि 40 साल पुराने जो संबंध स्वर्गीय पिताजी के जमाने से जो स्थापित हुए थे, आज भी वो संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी निभाने का काम हो रहा है। हमारे पिताजी के साथियों ने बखूबी उन संबंधों को निभाने का काम किया, आने वाली पीढ़ी भी हम लोगों के साथ में जो है उन संबंधों को और मजबूत देने का काम, मजबूती प्रदान करने का काम कर रही है और ताकत और संबल प्रदान करने का काम कर रही है। और ये जो संबंध है, जो प्यार और मोहब्बत का की जो डोर हमारे और क्षेत्रवासियों के बीच में बंधी है, ये आज जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, जो शिव भक्तों का जमावड़ा आप देख रहे हैं, जो इस आस्था यात्रा में लोगों की आस्था आप लोग देख रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। इस आस्था यात्रा के दौरान एक खुशखबरी भी आपको मिली थी, जो राहुल गांधी के खिलाफ जो मामला था वो उस पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या इससे और कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है, क्या लगाया? देखिए, हम लोगों को शुरू से विश्वास था कि आदरणीय राहुल गांधी जी जिस प्रकार से पूरे देश में गरीब कुचले दबे हुए लोगों की, मजदूर किसान नौजवानों की, माता बहनों की आवाज पूरी ताकत से बुलंदी से इस तानाशाही सरकार के खिलाफ उठा रहे थे और हम लोग को सबको पूर्ण विश्वास था कि एक ना एक दिन जीत जो है न्याय की होगी और अहंकार और तानाशाही लोगों की आवाज जो है दबेगी। बहुत धन्यवाद ये थे सचिन यादव जी, जिन्होंने बहुत व्यस्त समय से भी एसडब्ल्यू न्यूज के लिए समय निकाला और कैमरा में जाहिर अजमेरी के साथ आखिर खान, एसडब्ल्यू न्यूज। हेलो फ्रेंड्स,
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।